केकड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने आज केकड़ी नगर पालिका में पत्रकारों से रूबरू होने के बाद हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत केकड़ी सरवाड शावर पंचायत समिति क्षेत्र के पंच सरपंच पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्यों सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने अभियान में हिस्सा लेते हुए केकड़ी को जिला बनाने की मांग को समर्थन करते हुए विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे जाने वाले पत्र में हस्ताक्षर किए। पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी जिला बनने की दृष्टि से उपयुक्त है, क्योंकि केकड़ी अजमेर से 100 किलोमीटर दूर है और अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को छोटी मोटी समस्याओं के लिए 120 से 130 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी होती है। कृषि महाविद्यालय खोला गया, BSc नर्सिंग कॉलेज, ANM GNM कॉलेज खोली गई जो आवासीय कॉलेज है। 9-9 करोड़ की लागत से 2 होम्योपैथिक कॉलेज खुलवाए गए, वहीं 1 आयुर्वेद कॉलेज खुलवाए, उसकी भारत सरकार से मान्यता मिल चुकी है। विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी अस्पताल पहले 30 बेड का था, उसको मैंने 300 बेड का करवाया और 100 बेड का अतिरिक्त MCH अस्पताल खुलवाया। 8 से लेके 23 में हम आ गए, करीब 15 साल हो गए। 15 साल में आप सब लोगों के सहयोग से, क्योंकि मीडिया जब तक सहयोग नहीं करता है विकास में हम कामयाब भी नहीं होते। आप सब लोगों ने इन 15 सालों में, चाहे विधायक मैं रहा हूँ, सरकार कांग्रेस की रही, चाहे विधायक शत्रुघ्न जी रहे हों, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, और अभी फिर मैं हूँ और कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सबने सहयोग किया और लक्ष्य हमारा एक ही था कि कैसे आज़ादी के बाद में ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था और इसका पिछड़ापन दूर होना ज़रूरी था। और मैंने तो वो स्थितियां देखी है यहाँ पर। मैं सावर का रहने वाला हूँ, सावर जाने के लिए भी 3 जगह पे आपको रुकना पड़ता था, खारी नदी पे रुकना पड़ता था, उसके बाद में राजपुरा का वो खाल, वो भी पानी में इतना तेज बहता था कि वहाँ से भी आप कैसे निकलोगे बहुत दिक्कत वाली बात थी। और आगे बनास नदी, वहाँ भी पुल वुल नहीं था, ये पुल तो पहले ही बन गया था हालांकि, लेकिन मैं ये समझता हूँ वहाँ से आज हम जिस स्थिति में पहुँचे हैं कि केकड़ी भी आज पूरे राजस्थान में लोगों को मालूम है कि केकड़ी कोई जगह है। और एक टाइम था खेतड़ी बोलते थे तो केकड़ी बोलते थे, खेतड़ी समझते थे। इन 15 सालों में जब पहली बार मैं MLA बना था तो 1 SDM मुख्यालय था यहाँ केकड़ी, और 2 तहसील थी, सरवाड़ और केकड़ी। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े। कॉलेज भी आप सबको मालूम है एकमात्र कॉलेज था, वो भी अंडर ग्रेजुएट था केकड़ी का कॉलेज।